बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल बाज़िल शेख साहब, हमारे बाज़िल भाई ने ये सवाल भेजा है। बाज़िल भाई का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बर्थडे के दिन किसी गरीब की मदद करना या पेड़ पौधे लगाना या पैसे अच्छी जगह पे खर्च करना ये कैसा है? बाज़िल भाई, मुझे पहले आप बर्थडे का कंसेप्ट समझाइए कि बर्थडे जो है ये शरअन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कितने साल मनाया था, या अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे उन्होंने अपने ज़माने में कितने साल इस पे अमल किया था, या उनके बाद के जो ताबीईन हैं, तबे ताबीईन हैं, उनके ज़माने में कितनों ने बर्थडे मनाया था। चलो अब उनके बाद हमारे मुल्क इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया के अंदर आपके घर में या जान पहचान में जो पुराने बूढ़े होंगे जिनकी उम्र 60-70 साल होंगी, उनको पूछो तुम्हारे ज़माने में कितने लोग बर्थडे मनाते थे। ये बर्थडे का कंसेप्ट क्यों आया और कहाँ से आया? ये आया फिल्मों के ज़रिए से, ये आया टीवी के ज़रिए से। जब से टीवी आ गई, फिल्म आ गए, तो लोगों को पता चला अरे बर्थडे भी मनाया जाता है। तब पता चला लोगों को ओहो, अरे बर्थडे भी मनाया जाता है। और बर्थडे कहाँ से आया? जब पैसे बहुत आ गए ना कौम के पास में, तब आया बर्थडे। वरना पहले गरीबी का आलम था, दुष्काड़ी का ज़माना था, खाने को नहीं रहता था घर में, कपड़ों को ऐसा पेवन मार के पहनते थे। तो वो ज़माने में काय का बर्थडे, लोगों को दाल जवारी बाजरी की और दाल चावल की फ़िक्र होती थी। हमारा पैसा बहुत हो गया ना लोगों के पास में, और बर्थडे जो है वो स्टेटस का ज़रिया बन गया कि आज जो है घर में ये बेटे का बर्थडे है, कल वो बच्चे का बर्थडे है, परसों चीचा का बर्थडे है, तरसू नानी का बर्थडे है, और उसके बाद जोरू का बर्थडे है। अब ऐसे सबके बर्थडे शुरू हो गए घरों के अंदर। तो अब ऐसा कल्चर बना हुआ है, भले खाने को घर में दाल चावल ना हो, जवारी बाजरी ना हो, लेकिन बर्थडे बराबर होना चाहिए, और बर्बाद हो रहे लोग उसके चक्करों के अंदर। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि बर्थडे का कंसेप्ट जो है वो आया कहाँ से है? तो ये बर्थडे वगैरह क्या ज़रूरत है मुझे आप बताओ। चलो एक आदमी जो है उसकी अपनी जान है, अगर वो अपनी जान का सदका देना चाहता है तो उसके लिए बर्थडे के तारीख़ की क्या ज़रूरत है? कोई भी दिन, आज भी जो है, आज दो कल दो, जिस दिन भी कोई गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, आपको नज़र आ गया, कभी भी सदका करो अपनी जान के लिए उसके ऊपर, बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, हलाल है। ऐसे ही पेड़ पौधे लगाना, बर्थडे के दिन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी दिन लगाए जा सकते हैं। तो ये बर्थडे का कल्चर जो आया ना, जब से फिल्म आ गए, टीवी आ गई, तब से हमारे घरों में बर्थडे का कल्चर आया। वरना पहले खाने को जवारी बाजरी नहीं रहती थी तो पता भी नहीं रहता था बर्थडे कब आया और कब गया। और मैं तो समझता हूँ जिनकी उम्र 40 से ऊपर की होंगी, जब बर्थडे वगैरह लिखने का कोई वो नहीं था कोई एहतमाम नहीं होता था, ऐसे तो 90% लोगों की बर्थडे जो है ना, स्कूल में काम करने वाला जो पीयून रहता था अपने दिल से ठोक देता था किसकी बर्थडे क्या है। तो वही बर्थडे पे लोग आज बर्थडे मना रहे हैं। तो देखो भाई, आपको अगर जो है पेड़ पौधे लगाना है, अपनी जान का सदका देना है, रोज़ दो ना, बर्थडे में काय को दे रहे हो आप? रोज़ 10 रुपये सदका करो अपनी जान का, घर वालों की तरफ से भी देना है, सबकी तरफ से 50 रुपये 100 रुपये रोज़ सदका दो, किसी ने मना नहीं किया, उसके लिए बर्थडे होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ये यहूद नसारा के ऐसे कल्चर जिसने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया उससे हमारी हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।